राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। 19 तारीख को बंडू काका बच्चा वो 12 बुरतार मित्र मंडल की ओर से इमाम और मौजिन साहब को उमरा की शहादत के लिए भेजने का प्रोग्राम का इंकार किया जा रहा है, इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए है। मुख्तसर में सिर्फ मैं ये कहूंगा कि मैं मालेगांव शहरियाद या पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस शख्स का जो कारनामा है बंडू काका बच्छाव, जिस शख्सियत का नाम है, मैं तमाम ही उम्मत मुस्लिमा की जानिब से उनको तहे दिल से दिल की अभी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। यह हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा शगुन है, एक बहुत बड़ा यानी एक ऐसा अमल है जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को आगे फैलाएगा और वो फले फूलेगी। इस मौके पर मैं बिलखसूस अहलियाने मालेगांव को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग इस प्रोग्राम का शरीक होकर के बंडू काका बच्छाव के जो भी कारनामे हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं और उनके इस काम की सराहना करें, जहां तक हमें मुमकिन हो सकता है अपनी बात से, अपनी शिरकत से, अपनी आवाज से और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए हम इस प्रोग्राम को कामयाब करें। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि अगर हमारे लिए कोई शख्स इस शहर के लिए, इस देश के लिए ये जज्बा लेके उभरता है कि कोई अमल ऐसा करता है जिससे हमारे और बिरादरान वतन के अंदर एक मुफाहमत हो, खुशफहमी के साथ साथ, खुश अखलाकी के साथ साथ एक दूसरे में यानी हमारी रकाबत बढ़े, हमारी जिम्मेदारियों के साथ हमारे अंदर मोहब्बत बढ़े, अखुवत बढ़े, भाईचारगी बढ़े, अमन और शांति का पैगाम लेके आता है, तो मैं बहुत ही अदब के साथ सबको इसमें शरीक होने की पुरजोर अपील करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम को कामयाबी और कामरानी के साथ पूरी मुकम्मल तरीके के साथ इस शहर के लिए अमन अमान के लिए एक यानी मुफीद कारामद अमल साबित कर दे और बंडू काका बच्छाव को इसके जरिए बहुत सारी शोहरतें हासिल हो और बहुत सारी उनको बुलंदी मिले। इसी नेक ख्वाहिशात के साथ मैं फिर बंडू काका बच्छाव का तहे दिल से दिल की अमी गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम देने की हिम्मत दिखाई, कोशिश की और उनके साथ जितने भी उनके सहयोगी हैं, उनके मित्र मंडल के लोग हैं या उनके जितने भी दोस्त और अहबाब, उनकी पूरी टीम है, मैं तमाम ही लोगों को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।